एक बड़ी पुरानी कहावत है, पावस देखी रहीम मन, कोइल साधे मौन, अब दादुर बकता भय हमको पूछत कौन। जब बारिश होने लगती है तो कोयल चुपचाप सुनने लगती है, क्योंकि मेढक टर टर बोलने लगते हैं। अब चीन की टरटराहट बाहर निकली है, भारत को नाटो में जाने से रोक रहा है चीन, और रोकने के लिए भारत को लालच भी दिया। तो वहीं दूसरी तरफ चीन इधर भारत को रोकने में जुटा था, लेकिन भारत ने मेडागास्कर के साथ मिलकर बड़ा खेल कर दिया, और वो भी चीन के खिलाफ। तो वहीं भारत के सीडीएस ने ऐसा ऐलान किया जो दिखला रहा है कि भारत अब सुपर पावर वाला दम दिखाने को आगे आ चुका है। रूस और अमेरिका की नींद हराम हो गई सीडीएस रावत के बयान से। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। मेडागास्कर में भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे सीधे सीधे जिनपिंग बौखलाया है, और बौखलाकर भारत के ऊपर आरोप भी लगाना शुरू कर दिया है। चीनी मीडिया ने मेडागास्कर और कमोरेस को ये लिखा है कि ये दोनों देश आजाद देश हैं, लेकिन अब ये भारत के साथ आंख मूंद कर पीछे पीछे चल रहे हैं। अब चीन इतना ज्यादा क्यों बौखलाया और भारत ने ऐसा क्या कर दिया है? तो आप जानिए, मेडागास्कर, कमोरेस, सेशेल्स ये ऐसे देश हैं जो हिंद महासागर में एक बड़ी रणनीतिक पहुँच रखते हैं। इनका स्थान ही ऐसा है जो हिंद महासागर में इन्हें बहुत मजबूत बना देता है। अब जो चीज अच्छी हो उस पर चीन की नजर तो पहुंचनी ही पहुंचनी है, लेकिन अब वो दिन चले गए जब चीन पहल करता था। चीन ने भारत को घेरने के लिए अगर स्प्रिंग ऑफ पर्ल का निर्माण किया, तो भारत ने भी उसे काउंटर करने के लिए जहां जहां उसने एयरबेस, नेवल बेस बनाए थे, वहां वहां ठीक उसके ऊपर एयरबेस और नेवल बेस बनाने शुरू कर दिए, और अब तो चीन की हर चाल लगभग भारत समझ चुका है। दरअसल 2019 से ही भारत काफी तेजी से मेडागास्कर के साथ अपने संबंधों को हर लेवल पर बड़ा कर रहा है। 2019 में भारत और मेडागास्कर के बीच एक समझौता हुआ था, और वो रक्षा समझौता था, जिसमें ये कहा गया था कि भारत मेडागास्कर के रक्षा कर्मियों के क्षमता निर्माण और ट्रेनिंग के लिए कई परियोजनाएं चलाएगा, साथ ही साथ एक रक्षा अधिकारी की नियुक्ति भी करेगा। ठीक इसके तुरंत बाद चीन भी पहुंच गया था, और चीन ने ये कहा था कि सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नजर रखने के लिए मेडागास्कर में चीन भी एक रक्षा अटैचे नियुक्त करेगा, ये भी एक रक्षा अधिकारी की तरह होगा। एक डिवीजन में लाने का मतलब ये है कि ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है रणनीतिक रूप से, और इनके लिए रणनीति काफी सोच समझ के बनाई जाएगी। आपको बता दें, एक दिन पहले ही भारत ने मेडागास्कर को 1000 टन चावल और 1,00,000 HCQ की दवाइयां सौंपी थी। अभी मेडागास्कर के दक्षिणी इलाके में भीषण सूखा पड़ा है, जिसके कारण भारत ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए ये सारी सहायता उपलब्ध कराई थी। इस मदद को लेकर मेडागास्कर पहुंचे थे भारतीय नौसेना के जहाज INS जलासव, जिसको रिसीव करने के लिए खुद प्रधानमंत्री लुइस नेत से पहुंचे थे। और अब इस अहम देश से मेडागास्कर की नौसेना के साथ समुद्री गश्त कर रहा है हिंद महासागर में भारत। ऐसा पहली बार हुआ है जब मेडागास्कर की नौसेना भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के साथ पेट्रोलिंग कर रही है। भारतीय नौसेना की तरफ से इस मिशन में INS शार्दुल शामिल हुआ है, जबकि मेडागास्कर की तरफ से तोरोजोना ने हिस्सा लिया है। हिंद महासागर के महत्वपूर्ण इलाकों में भारतीय नौसेना की मौजूदगी से चीन और पाकिस्तान दोनों की परेशानी अब बढ़ने वाली है। इसी वजह से जिनपिंग बौखलाया है, और जिनपिंग आरोप लगा रहा है भारत के ऊपर कि भारत शांति नहीं चाह रहा है, इसीलिए मेडागास्कर के साथ इस तरह के रिश्ते बना रहा है, और मेडागास्कर को, कमोरेस को भारत उकसा रहा है चीन के खिलाफ। वैसे खिसियाई हुई बिल्ली क्या करेगी, खंबा ही नोचेगी। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा निर्णय लिया है, और भारत का यह निर्णय भारत को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। इतिहास को अगर आप देखेंगे तो रूस और अमेरिका, इन दोनों देशों ने दुनिया पे राज किया है सिर्फ इस बल पर कि वो खुद अपना हथियार बनाते हैं, अपने लड़ाकू विमान बनाते हैं और उसे दुनिया भर में बेचते हैं। रूस के ऊपर इतने आर्थिक प्रतिबंध लगने के बावजूद रूस टस से
मस नहीं हुआ। भले उसके ऊपर आर्थिक दिक्कतें हैं, लेकिन हथियारों के बल पर अभी भी वो ताकतवर है और अमेरिका भी उस पर हमले करने से पहले एक बार दो बार नहीं 100 बार जरूर सोचेगा। भारत भी अब उस राह पर चल गया है। भारत भी अब ये चाह रहा है कि उसके जितने हथियार हैं सारे लगभग भारत में ही बने। पहली लिस्ट जारी हुई थी जिसमें भारत ने बैन कर दिया था कई प्रमुख हथियारों को, जिसके बाद आप देखेंगे फ्रांस से लेकर अमेरिका तक हर एक कंपनी ने अब ये भारत को ऑफर देना शुरू कर दिया है कि वो भारत में ही बनाएंगे हथियार, जो कि भारत के आत्मनिर्भर प्लान के तहत होगा। और अब CDS बिपिन रावत ने दूसरा बड़ा ऐलान कर दिया है। एक दूसरी बड़ी लिस्ट तैयार हो रही है जिसमें गोली से लेकर तोप के गोले तक अब भारत में बनने की बात हो रही है। और साथ ही साथ सरकार ने सबसे बड़ा काम ये करा है कि 460 प्राइवेट फार्म्स को लाइसेंस दे दिया है हथियार बनाने का, जो अब तक नहीं दिया गया था। भारत ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। हाल फिलहाल में प्राइवेट कंपनियां बहुत ही ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, इस तरह के ड्रोन बना रही हैं जो सचमुच कमाल के हैं। ऐसे में भारत का यह निर्णय भारत के आत्मनिर्भर प्लान को और भी तेजी से आगे ले जाएगा। वैसे भारत के ये प्लान अमेरिका और रूस दोनों के लिए बड़ा खतरा भी है। इस बैन लिस्ट के आने से जहां भारत इन चीजों को खरीदेगा नहीं, वहीं भारत बहुत ही तेजी से अपने देश में इन हथियारों को बनाना शुरू कर देगा। और जिसका मतलब ये है कि हथियारों का बाजार अब भारत नहीं रहेगा, बल्कि हथियारों का विक्रेता बन जाएगा। वैसे भारत मात्र यही झटके नहीं दे रहा है, अब तो भारत की नाटो में एंट्री की बात भी चल रही है, जिसके बाद चीन को ये एहसास होने लगा है कि चीन उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस रास्ते पर सोवियत संघ था। अब चीन का टूटना भी बिल्कुल निश्चित हो गया है। जिस तरह से सोवियत संघ को तोड़ने के लिए अमेरिका ने उसके सारे पड़ोसियों को अपने में मिला लिया था, क्योंकि सोवियत संघ अपने पड़ोसियों को तंग करता था, उनकी जमीनों को हड़पना चाहता था, वैसे ही कुछ चीन के साथ भी हो रहा है। चीन के अब सारे पड़ोसी धीरे धीरे चीन के खिलाफ होते जा रहे हैं, और भारत अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा। चीन इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने भारत की सरकार को मना किया है नाटो को ज्वाइन करने से। वैसे चीन इसके लिए लालच भी दे रहा है। चीन का कहना है कि भारत अगर नाटो को ज्वाइन करता है तो भारत का अपना महत्व खत्म हो जाएगा और एशिया के देश से वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ लालच देते हुए चीन ये कहता है कि भारत को चीन रूस वाली जो गठबंधन है उसमें शामिल हो जानी चाहिए, चीन के साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाना चाहिए। पर ये तो वही बात हो जाएगी कि भारत बड़ा सा कुल्हाड़ी लेकर अपने पैरों में मार ले। चीन के साथ गठबंधन बनाने का मतलब है अपना बेड़ा गर्क करना। हालांकि चीन कितना भी चिल्लाए, भारत नाटो में शामिल होकर रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को नाटो में शामिल होना चाहिए या चीन की बात माननी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।